अरे नहीं नहीं, समझने की कोशिश करो। मैं इस वक्त तुमसे बात नहीं कर सकता। क्यों? अरे मैं घर पे हूँ और अगर मेरी बीवी ने हमारी बातें सुन ली ना तो उसे शक हो जाएगा। हाँ तुलसी किससे बात कर रहे हैं और घर में मेरे होने ना होने से इन्हें बात करने में प्रॉब्लम क्यों हो रही है? आज से पहले तो इन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। अच्छा बाबा ठीक है, मैं थोड़ी देर में तुमसे आके मिलता हूँ। हाँ हाँ पक्का पक्का पक्का। वाह क्या तीर मारा है, सीधा निशाने पर। अब की बार खेल खल्लास करके ही जाऊंगी, ईमान से। भाई बब्बल की शादी में जितनी भी कुंवारी लड़कियां आई थी ना, उन सब की लिस्ट मैंने बना ली है। अब इन्हीं में से किसी एक को पसंद करके मैं उससे शादी कर लूंगा, ठीक है? ये देखो। नहीं ना 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 भाई ये कैसी है? इससे शादी कर लूं क्या? दादी के बहुत दूर के भाई के बहुत दूर की रिश्तेदारी है। पायल घायल, जो घायल है तो मतलब शादी से पहले इसका इलाज कराना पड़ेगा। छोटे इससे पहले पूछ लियो कि इलाज का खर्चा लड़की वाले देंगे या हमें देना पड़ेगा। भैया अरे कोई बात ना घायल के इलाज का खर्चा हम उठा लेंगे। लेकिन अरे भाई घायल नहीं, इसका नाम है पायल। पायल। अरे तुझे पायल की जरूरत क्यों पड़ गई? तू लड़का है, पायल लड़कियां पहने करे। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, तेरी होने वाली बीबी के लिए पायल बनवा लेंगे। भाई मैं कह रहा हूँ इसका नाम है पायल। पायल अच्छा नाम है पायल, हाँ अच्छी है, पहन ले तू। मतलब शादी कर ले, सूट करेगी तुझ पे, है ना? तो क्या कहते हो इसे रिश्ता भेज दे? नाना छोटे अब देर मत कर, रिश्ता भेज दे। दिखाई कर, देखने में तो अच्छी है, है ना? है ना है ना है ना, पर इसकी नाक थोड़ी लंबी ना है, और लंबी नाक पे गुस्सा भी लंबा ही होगा। छोटे कोई छोटी नाक वाली देख। अरे भाई इसी तरह से आप लड़कियां रिजेक्ट करते रहे तो बस हो गई मेरी शादी। अरे बब्बल से पूछता हूँ मैं। बब्बल मेरी शादी के लिए एक लड़की पसंद करनी है, इन दोनों में से देख के बता कौन सी अच्छी है, किससे शादी कर लूं? मेरी मानो तो शादी ही मत करना। वाह बेटा खुद तो शादी कर ली, अब मेरी एंजॉयमेंट की बारी आई है तो मना कर रहा है तू? अरे भैया मैं खुद शादी करके पछता रहा हूँ, इसलिए आपको रोक रहा हूँ। भैया शादी के बाद आदमी की जिंदगी जिंदगी नहीं रहती, जिंदगी की बैंड बज जाती है। ना बोलने की आजादी, ना घूमने फिरने की आजादी, हर चीज पे पाबंदी, हर कदम पे सवाल, बस सवाल पे सवाल। अरे अब क्या बवाल मचा दिया अच्छा ने? अरे भाई बवाल नहीं, वो कह रहा सवाल, और थक जाता है आदमी इन सवालों के जवाब देते देते। अरे मैं तो ना थका, इतने साल हो गए। देख छोटे इसे उल्टी सीधी पट्टी मत पड़ा। अरे करने देना इसे शादी, ठीक है? जब मैंने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारनी तो मैं कौन होता हूं रोकने वाला? लेकिन भैया फिर मत कहना कि बब्बल तूने मुझे रोका क्यों नहीं। भैया सच ये है कि मैं इच्छा से शादी करके पछता रहा हूं। ना पहले जैसा प्यार रहा, ना पहले जैसी खुशियां। मन तो करता है कि मैं इच्छा को छोड़ दूं या खुद कहीं भाग जाऊं। देखो भैया आपका भाई हूं, आपको गलत सलाह नहीं दूंगा, लेकिन शादी करने से पहले एक बार आराम से सोचना इसके बारे में। क्या था ये? धानी है, दूध का पतीला है। दीदी जानती हूँ, लेकिन ये दूध आधा कैसे हुआ? जब मैंने देखा था तब तो पतीला पूरा भरा हुआ था, आधा कैसे हुआ? कहाँ लेकर गई थी पतीला? किसने पिया इतना सारा दूध? सबने नहीं, मतलब सबने थोड़ा थोड़ा दूध पिया। अच्छा, कैसे पिया? सीधा पतीला मुंह से लगा लिया। सभी ने ग्लास तो तू लेकर नहीं गई थी, वो दूध तूने पिया है ना? नहीं तो मैं नहीं 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 तो ये मुझ अपने आप आ गई। पिया है तो पिया है, इसमें छुपाने की क्या जरूरत है? दूध तो तुझे बहुत पसंद है ना? हाँ, और जब तू खुश होती है तो दूध पीती है ना? हाँ, तेरी इस खुशी का राज मुझे पता है। आपको क्या पता है? कैसे? औरत की आंखों में शर्म और चेहरे पर लाली तभी आती है जब पति के साथ। अच्छा बता, देवरजी ने क्या किया तेरे साथ? किया नहीं, लेकिन शायद करने वाले हैं। अभी अभी मैंने बब्बल जी को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना। पहले मुझे लगा बब्बल जी इस तरह मुझसे छुपकर किससे बात कर रहे हैं, फिर मुझे लगा मुझसे छुपकर बात कर रहे हैं तो शायद मेरे लिए कुछ खास कर रहे होंगे, कोई सरप्राइज वगैरह। उनकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा था। ओहो, सरप्राइज सरप्राइज! देवरजी तो बड़े रोमांटिक निकले। संभाल कर रखना अपने पति को, ऐसा पति किस्मत से मिलता है। अच्छा तू यहाँ के काम निपटा ले, मैं दादी को चाय देकर आती हूँ। जी दीदी। दादी, मैं तुझसे बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। अभी क्या अभी करनी है मुझे? हाँ तो बोल। अरे मैं वो क्या कह रहा था कि मैं वहाँ वो क्या कह रहा था मैं, अरे मैं ये बकरी की तरह मैं करता रहेगा या आगे भी बोलेगा? क्या बोलूँ दादी, आगे जो बात करने आया था वो तो भूल ही गया ना मैं। हे शिव जी, अपनी लाल डायरी निकाल के देख, शायद उसमें लिखा हो। दादी ये भी भूल गया मैं। एक मिनट, ओ बब्बल के बारे में बात करने आया था मैं। दादी बब्बल पागल हो गया है, अजीब अजीब बातें कर रहा है। कह रहा है इच्छा से मेरा मन भर गया है और जिंदगी झंड हो गई है। इसने कहा? बब्बल ने? हाँ। ऐसा हो ही नहीं सकता, वो कुछ और कह रहा होगा और तूने कुछ और सुना। दादी मैं कोई प्रबल भाई थोड़ी हूँ जो गलत सलत बातें सुनूंगा। दादी कसम दादी, बिल्कुल सही सही सुना है मैंने। अच्छा, और क्या सुना तूने? अरे यही कि शादी के बाद ना बोलने की आजादी होती है, ना घूमने फिरने की। हर चीज पे पाबंदी, हर कदम पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। ये तो कुछ भी नहीं दादी, बात यहाँ तक पहुंच गई है कि मैं शादी करके फंस गया हूँ। मन तो कर रहा है कि उसे छोड़ दूं और खुद कहीं दूर भाग जाऊं। और तो और दादी, मुझे भी शादी ना करने की सलाह दी। देवरजी किसकी बात कर रहे हैं? बब्बल जी और इच्छा की? नहीं, उन दोनों में तो बहुत प्यार है। अभी अभी तो इच्छा बता रही थी कि देवरजी उसके लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। फिर मतलब देवरजी प्रबल जी की बात कर रहे हैं? पक्का एक वही तो है जो देवरजी से ऐसी बातें कर सकते हैं। शांत हो जा छोरा, शांत हो जा, मैं उससे बात करती हूँ। चला हमारे साथ। लगता है प्रबल जी मुझसे खुश नहीं है। होंगे भी कैसे? दिन भर घर के कामों में लगी रहती हूँ, बड़ों की सेवा में, अपू की पढ़ाई में। नहीं, इससे पहले प्रबल जी कोई ऐसा वैसा फैसला ले, मुझे कुछ करना पड़ेगा। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, आज बड़े अच्छे मूड में लग रही हो। बब्बल जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? तुम्हारी खुशी का राज क्या है? बता दूँ? हाँ। आज किसी ने मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया है। क्या बात है, सरप्राइज? किसने? मेरे पति ने। उसकी ये हिम्मत कि मेरे होते हुए तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान करे? बब्बल जी सॉरी। लेकिन अच्छा, मैंने तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज प्लान नहीं किया। बब्बल जी, अब आप झूठ मत बोलिए। माना कि सरप्राइज वाली बात खुल गई, लेकिन सरप्राइज तभी भी गुलदस्ते में है ना। बताइए ना बब्बल जी, क्या सरप्राइज है? देखिए अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। बब्बल यार, तू भी ना अव्वल दर्जे का बुद्धू है, इतना भी नहीं समझता। बीविया पति से सरप्राइजेस एक्सपेक्ट करती है और इच्छा तो खुलकर बता रही है। अब तुझे ये बात ध्यान में रखनी होगी और उसके हिसाब से कुछ करना होगा। अब आप सस्पेंस बढ़ा रहे हैं बब्बल जी, बताइए ना क्या सरप्राइज है, बताइए ना बब्बल जी। अरे अच्छा, कोई सरप्राइज है? तुम भी अजीब हो यार। और वैसे भी अगर मैंने सरप्राइज बता भी दिया तो सरप्राइज सरप्राइज कैसे रहेगा? सोचो सोचो। मैंने सरप्राइज मांगा था और डांट के चले गए। डांटना भी कोई सरप्राइज होता है? जब तक ढेर सारा केसर ना हो, दूध मेरी हलक से उतरता नहीं है, समझी? चांदी के कलश में दूध भिजवा दो। और हाँ, कल से मेरी पूंछ में दर्द है, 2 सपोलियों को चंदन के उपटन के साथ भिजवा देना और कहना राजकुमारी की पूंछ रगड़नी है। जाओ, जो भी हो, मुखिया जी की सपोली बनने का मजा ही कुछ और है। अब जब तक सुरसुरी वापस नहीं आ जाती, राजकुमारी बनने का पूरा मजा लूंगी। हे नागोमी दे, बस एक कृपा करना, जब तक सुरसुरी नहीं आ जाती यहाँ किसी को मत भेजना। सुरसुरी, नागोमी देव, मैंने किसी को ना भेजने के लिए कहा था, मगर आपने भेज दिया, वो भी इच्छा की माँ को। सुरसुरी कैसी है? ठीक हूँ। मुखिया जी से पता चला कि तू वापस आ गई है तो मैंने सोचा तुझसे मिलाऊं। अब तुझे इच्छा से कोई नाराजगी या गुस्सा वुस्सा तो नहीं है ना? नहीं नहीं, वो तो बीच में गुस्से की वजह से मेरा मन खराब हो गया था, इसलिए। लेकिन अब मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है, अब मैं इच्छा को कभी परेशान नहीं करूँगी। शाबाश, अब लग रहा है कि तू मुखिया जी की सपोली है। अच्छा सुन, मैं ना मुखिया जी से बात करके आई हूँ, अगर तुझे इस कक्ष से कुछ देर के लिए बाहर निकलना है तो तू मेरे साथ चल सकती है। तू चलना चाहेगी मेरे साथ? नहीं नहीं, मैं यार ठीक हूँ। अच्छा सुन, मैं ना तेरी सहेली जगीरी को यहाँ भेज देती हूँ। हाँ, भेज ही देती हूँ। मैं अभी उसके घर जाकर। नहीं, आप उसके घर मत जाइए, वो मेरी तबीयत कुछ खराब है, मेरे फन और पूंछ में दर्द है और पूरी कैंचुली भी अकड़ गई है। आज थोड़ा आराम कर लेती हूँ, उससे कल मिल लूंगी। ठीक है। ममता, ममता, अरे आज 2-2 कुश्ती लड़ी है पिताजी के साथ। हालांकि दोनों हार गया, पर शेर की तरह लड़ा। बदन बड़ा टूट रहा है ममता, एक गिलास दूध पिला दे। शेर दूध थोड़े ना पीता है। तू एक काम कर, इतना अंधेरा क्यों कर रखा है ममता कमरे में? अब तो बात पक्की हो गई है, इनका वाकई मुझसे मन भर गया है। ये शर्ट धुले हुए कपड़ों में किसने रखा है? इसे धुना तो बाकी है। इतना लंबा बाल बब्बल जी की शर्ट पर, मेरा तो है नहीं, फिर किसका है? दादी, आपके हाथों में वो बात नहीं रही, कमजोर हो गई हो आप। छोरा, मने तो तू कमजोर दिख रहा है, ये पिया कर। ये बाल दादी का भी हो सकता है। नहीं नहीं, दादी के बाल तो सफेद है। फिर माँ जी, ममता भाभी का हो सकता है। अच्छा, तू भी ना बेवजह बब्बा जी पर शक कर रही थी। हद से ज्यादा प्यार करेगी तो ऐसा ही होगा। सॉरी, अच्छा नींद में हूँ। कोई बात नहीं। ये वाला भी। अरे छोरा, तू सच में कमजोर हो गया है। बाल बाल बच गई। इच्छा, चलो कोई बात नहीं, आज एक पल के लिए ही सही इच्छा के फन में शक तो आया। अब इस शक को हवा मैं देती रहूंगी। फिर शक होगा, बहस होगी, झगड़ा होगा, और झगड़े के बाद दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। इच्छा, मैं तेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करके रहूंगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.